केंद्र की भाजपा सरकार वेंटिलेटर पर अपनी अंतिम सांसें ले रही है और अब हमेशा के लिए जाने वाली है। ये दावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान किया है। हालांकि वे कांग्रेस के सरकार बनाने संबंधी सवाल को ये कहकर टाल गए कि वे किसी भी गैर भाजपा या गैर NDA सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव प्रचार अब खत्म होने जा रहा है और कांग्रेस का मानना है कि भाजपा सरकार वेंटिलेटर पर है और सत्ता से बाहर होने जा रही है, लेकिन ये बताने में पूरी तरह असमर्थ है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शिमला पहुंचने पर पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा की 5 साल की खामियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि देश में गैर भाजपा सरकार सत्तासीन होगी और कांग्रेस पार्टी उसे पूरा समर्थन करेगी। आजाद ने कहा कि 2014 के आम चुनाव में मोदी भाजपा के लिए जहां एक संपत्ति के तौर पर थे, वहीं 2019 के चुनाव आते आते वही मोदी एक बोझ बनकर रह गए हैं। उन्होंने नोटबंदी और GST को मोदी की सबसे बड़ी नासमझी का नतीजा बताया और कहा कि वे देश की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिकी किसानों, बहु बेटियों, युवाओं और करोड़ों मजदूरों के साथ साथ आपसी भाईचारे के लिए भाजपा का सत्ता से बाहर रहना बेहद जरूरी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के पहले ऐसे सरकार के मुखिया हैं जिनका कार्यकाल रोजगार खत्म करने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट को विकास की बजाय विज्ञापनों और प्रचार पर अधिक लगाया। 5 साल पहले मोदी साहब बीजेपी के लिए असर थे, 2014 में उनके आंकड़े भी उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से GDP के फिक्स किए। इस साल 1,60,000 करोड़ टैक्स कम जो आना चाहिए था और देश की जो अर्थव्यवस्था है और भी नीचे जा रहे हैं। अभी जो हमारी ऑक्सफैम ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है 2018 की, जो दुनिया के बारे में रिपोर्ट देती है, उनके अनुसार 73% जो जमा वेल्थ होती है, धन जमा होता है, वो इंडिया के सिर्फ 1% लोग के हाथ में जाता है। 73% देश की जो इकॉनमी है या पैसा जाता है वो 1% लोगों के हाथ में जाता है और 50% जो आबादी है उनको सिर्फ 1% वृद्धि हुई है। तो ये कितना जमीन और आसमान की तरह इजाफ। कश्मीर से हिंदू विस्थापितों के पुनर्स्थापन पर पूछे गए सवाल के जवाब में आजाद ने कहा कि हिंदू कश्मीर की आत्मा हैं और वे उनके पुनर्स्थापन के पक्षधर हैं, लेकिन 370 और 35A को हटाने को वे आग के साथ खेलने जैसा मानते हैं। कांग्रेस के नेता विस्थापित हिंदुओं को कश्मीर की आत्मा बताते हैं, लेकिन इस आत्मा को बसाने के लिए अपने अब तक के कार्यकाल में उसने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं और यही वजह है कि उस आत्मा को अपना सब कुछ लुटाकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।